गाइस तो कैसे हो आप लोग, आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइस हम लोग बात करने वाले एक महान शो के बारे में जिसका नाम है बिग बॉस। बिग बॉस, बिग बॉस एक सुअरों की रेस है जिसमें सुअर ही दौड़ते हैं और इसका संचालक करते हैं हमारे सलमान भाई। अब सलमान खान के बारे में मैं ज्यादा बात करूंगा नहीं क्योंकि भाई उनपे मैं ऑलरेडी दो रोस्ट बना चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखे नीचे लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो भैया हमेशा की तरह 10-12 फ्लोर एक्टर और एक्ट्रेस को इसमें घुसेड़ दिया गया है और बोल दिया गया है लड़ो। भैया नवरात्रे चल रहे हैं, मैं गाली दूंगा। जय माता दी। भाई ये सब देखने के बाद मैं उन लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूंगा जो लोग बिग बॉस फॉलो करते हैं। भैया किस मिट्टी के बने हो आप? आपको ये सब देखना है क्या और ऐसा क्या देखते हो आप बिग बॉस में? अगर आप तक ये वीडियो पहुंचे तो भैया कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल बताना, मतलब परहेज मत करना, बता देना बस। पर भाई मुझे समझ नहीं आ रहा सीजन 14 में सीजन 13 के सुअर क्या कर रहे हैं। आई नो भाई लास्ट ईयर के शो की टीआरपी बहुत जबरदस्त आई थी और भैया इनको इसीलिए बुलाया गया है, बट भाई सीजन 14 के सुअरों को थोड़ा मौका दो। भाई मुझे बिलीव है वो लोग पिछले शो से भी ज्यादा टीआरपी लेके आए क्योंकि भैया ये साल है 2020। इतनी खराब ऐसी घटिया चीजें हुई है इस साल में तो बिग बॉस की तो क्या योगा था यार। भाई क्या चाहता है और कितना चाहेगा भैया बिग बॉस? ये चाहते हैं बिग बॉस, वो चाहते हैं करके तूने पूरे सीजन 14 तो निकाल दिए। अब भैया अपनी चाहत का पिटारा ले और बस निकल ले यहाँ से। भाई इस टाइप की हरकतें करना बिग बॉस के घर में बहुत आम बात है। जब भाई लोगों को थोड़ी फुटेज खानी होती है वो अपना बैग उठा के सीधा बिग बॉस के गेट पे पहुंच जाते हैं और बोलते हैं बिग बॉस अपना गेट खोल दो, हमें घर जाना है। अगर भाई तुम्हें घर ही जाना था तो आए क्यों? तो भाई ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड होती है और इनको ऐसी हरकतें करनी पड़ती है। अब भाई आपने सलमान खान को बहुत बार बोलते सुना होगा कि ये मेरा लास्ट शो है, इसके बाद मैं बिग बॉस होस्ट नहीं करूंगा। और भाई अगले सीजन में सलमान खान फिर से हमें दिखाई दे जाते हैं। तो भाई ये खेल है, सलमान खान को एक एपिसोड के 9 करोड़ रुपए मिलते हैं अप्रॉक्स और पूरे सीजन के मिलते हैं 250 करोड़। तो भाई कोई बंदा कैसे मना कर सकता है? अब भाई मुझे सलमान खान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, भैया खूब पैसे कमाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट भाई अगर आपको ये शो करना ही होता है तो भाई बेफालतू की बातें क्यों करते हो हैं? भाई सीजन 13 से बिग बॉस वालों का पेट नहीं भरा जो सिद्धार्थ शुक्ला जैसे जानवर को दोबारा वापस ले आए। और भैया जैसी हरकतें इस बंदे ने पिछले शो में करी है ना, इस बंदे को कड़ी पार कर देना चाहिए था, बट बिग बॉस वाले से दोबारा वापस ले आए क्योंकि भैया सिद्धार्थ शुक्ला लेके आता है टीआरपी और भैया टीआरपी का गेम है सारा। तो कल भाई मेरे दोस्त ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि भाई तू बिग बॉस में किसको सपोर्ट कर रहा है? तो भाई मैंने उसको बोला कि भाई तेरा क्वेश्चन ही गलत है, तुझे पूछना चाहिए कि भाई क्या तुझे इससे फर्क पड़ता है? नहीं क्योंकि भाई इन्हें लगता है कि वोटिंग इसलिए हो रही है कि सबसे अच्छा कौन है, बट भाई रियलिटी में वोटिंग हो रही है कि सबसे बेवकूफ कौन है। भैया नवरात्रे चल रहे हैं, मैं गाली दूंगा। जय माता दी। तो भाई मैं तो बिग बॉस वालों से यही कहूंगा कि भाई डरो, बिग बॉस जीतने से डरो, क्योंकि भैया जो लास्ट 13 सीजन जीत के गए उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या उखाड़ लिया, क्या बन गए वो लोग हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बताओ और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दो और ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन भी ऑन कर देना क्योंकि बेल आइकन ऑन करने के बाद आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।